कल बीडीपीओ कार्यालय जगाधरी में सरपंचों ने अपनी मांगे ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंच द्वारा ताला जड़ दिया गया था। जहां एक ओर आज बीडीपीओ जगाधरी कार्यालय का ताला सरपंचों ने खुद ही खोल दिया, वहीं दूसरी ओर रादौर ब्लॉक में सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय का ताला जड़ दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीडीपीओ साहब कहने लगे, रिक्वेस्ट कर उन्होंने कि हमारी अंदर मीटिंग चल रही है और आप आधे घंटे के लिए ताला खोल दो। तो हमने ताला खोल दिया, फिर उसके बाद लगाया ही नहीं है। तो कल से हम सुबह ही 9 बजे ताला लगा देंगे आते और ये ताला लगा रहेगा, खुलेगा ही नहीं। तो आने वाली रणनीति क्या रहेगी आपके लिए? आने वाली तो यही है, अभी तो धरना प्रदर्शन ही है, उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे ही ऊपर से देश जो हमारी कमेटी आज पूरे हरियाणा की कमेटी बनने जा रही है अपनी, इसकी कार्यकारिणी पूरे हरियाणा की, तो जैसे ही वो आदेश हमारे को मिलेगा उसको फॉलो करके। डीडीपीओ बैठा था, एक साइड में लगाई दिया था, उसी टाइम अंदर के पुलिस आई, बुलाई इन्होंने डीडीपीओ साहब ने, फिर अंदर हम बुलाए, बोले जी यो अच्छा नहीं कर रहे आप, ताला लगाए रहे। मगा जी मारी लड़ाई थारे गलो नहीं है, मारी लड़ाई तो वो जो बबली बबली है ना, मारी तो लड़ाई उस गलो, उसा मारी गलो नजायज करी, मारी तो लड़ाई उस गलो, थारी गलो मारी लड़ाई नहीं है जनाब। तमा मारे तो काम पड़ागा, मैं थारे तो काम पड़ागा, तुम तो मारी है अफसर है, हम थारी गलो क्यों ऐसा करा। वो बोले जी, मगा जी यू बताओ हमारे अध्यक्ष है, वो बताओ हम क्या करा। बोले जी मारी मीटिंग से हुई अंदर, अरे ताला खोल दो तुम। इतने में देखा पुलिस आई ली, पुलिस आई ली तो हम बोले मगा जी ऐसा हम तो थारी गलो आए जो खोल लेना करे खोल देंगे, बढ़िया तरीके से कहा हमारे थे। बोले हमारी मीटिंग सी रही है और यह मीटिंग हो लेगी फिर लगा लियो। बस फिर हम बोले मगा चल बैठी भी क्यों इन्ना बेचारों ने तंग करा, वो फिर हम उनकी मीटिंग सी खत्म होगी, वो फिर इतनी बार माँ पाएंगे। जिस तरह से अनिश्चितकालीन आपने धरना प्रदर्शन जारी किया, तो यहाँ पर जो टेंट लगाकर धरना कर रहे हो, ये कब तक रहेगा? ये तो इतना हमारा फैसला नहीं मानता यू, वापस नहीं लेता ऐसा, इतना तक तो हम बैठे यहाँ, हम तो सवेरे फिर आए लिए थे। तो आज चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही बबली की, पंचायत मंत्री की, तो क्या कोई संदेश आया आपके पास? ये भी तो कुछ संदेश नहीं आया, बाकी जैसा वहाँ संदेश आवागा हमारे पास, जो हमारे हक में होगा हम यहाँ से अपना टेंट पाट लेंगे, हमें क्या लेना इस पर। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या दोबारा से बीडीपीओ कार्यालय का ताला लगाओ? और सवेरे लगा देंगे आने का, बस सवेरे लगा देंगे आने का। एक तो ये ई टेंडरिंग का जो मुद्दा चला रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, वो आपको भी ज्ञात, सभी को ज्ञात है। उसके बारे में टवाणा में हमने एक महासम्मेलन महापंचायत का भी आयोजन हुआ था, उसमें भी सभी साथियों ने भाग लिया था। ये बंद होनी चाहिए और राइट टू रिकॉल वो भी वापस होना चाहिए सरकार का। सरकार जबरदस्ती का रवैया अपना रही है और परेशान करने का काम कर रही है। ये जैसे पहले मैनुअल चले जा रहे थे वैसे ही चलना चाहिए, और जैसे एमएलए है अपना एमपी है वो चुन के आते हैं, सरपंच भी ऐसे चुन के आते हैं। एमएलए एमपी लहर में बन जाते हैं, पर सरपंच बनना लहर का काम नहीं है, वो गाँव के सहयोग से बनता है। और जैसे आए दिन देवेंद्र बबली उनके भाई सरपंचों के साथ अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी चाहिए भी अपनी वाणी को भी थोड़ा विराम दें और सब सोच समझ के बोलें। सरकार को अब ये 2 साल पंचायतें भंग रही, उसमें सरकार उस खाते में निरीक्षण करवाए भी, उसमें कितना साफ सुथरा काम हुआ, उसमें देखो सारे पैसे वो जो भी था सिस्टम वो सब कुछ खत्म कर दिया गया, कोई सही काम नहीं हुआ। ये सारी शर्तें सारे फैसले सरपंचों भी लागू होते हैं क्या? सरपंच लागू होते भी 10वीं पास सरपंच होना चाहिए, एमएलए अनपढ़ बैठे इनके, एमएलए भी 10वीं पास करो, बीए करो, सरपंच 10वीं पास, जिसने गांव में बोलना जिसने विधानसभा में बोलना वो अनपढ़ बैठे, उनके भी सारे नियम कानून सरपंचों में लागू होते हैं क्या है? राइट टू रिकॉल उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, जो अपने हल्के में भी जाके नहीं पढ़ते। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।